सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका GVTjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं इंजीनियर इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट में निकली हुई भर्ती के बारे में। पर भर्ती की ओर जाने के पहले हमने जो आपको कल क्वेश्चन पूछा था कंटेस्ट में, उसका आंसर हम आपको बता देंगे। तो हमने आपको पूछा था ब्लीडिंग ऑफ गम इज द वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डैश, तो उसका आंसर था स्कर्वी। और इस वीडियो के अंत में हम आपको और एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको देना है। तो जाते हैं आज के जॉब की ओर। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट ने हाल ही में ही हिंदी टाइपिस्ट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। सभी नौकरी चाहने वालों को इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पात्रता विवरण और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है और मास्टर्स डिग्री प्राप्त उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह के एप्लीकेशन फी भरना अनिवार्य नहीं है, यानी कि ही एप्लीकेशन फी फ्री है। एज लिमिट, यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 30 ईयर्स, यानी 30 साल की उम्र तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन यहाँ एप्लीकेबल है, तो आपको आपके एज में रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू पैनल के द्वारा होगी, पर उसके पहले आपको स्किल टेस्ट देनी जरूरी है। पे स्केल यहाँ रखी गई है 11,900 से 38,500 पर मंथ। ग्रेड पे एज पर रूल है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको ग्रेड पे मिलेगा। यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आप engineersindia.com पर भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। पोस्ट का नाम जैसे हमने आपको बताया हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है, यानी यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हो तो आपकी पोस्टिंग भारत के किसी भी कोने में हो सकती है। लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 18 दिसंबर 2017। तो देखा जाए तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, तभी भी आप देर ना करें, जितना जल्दी आपसे हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करें, क्योंकि सुनहरा मौका वापस नहीं आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आप जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, जिस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो और आपके जो जानकारी है वो प्राप्त कर आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन पीडीएफ देखनी है, तो जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये जो वेब पीडीएफ है ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर लिंक्स भी दिए गए हैं जिसके कारण आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। और पोस्ट की जानकारी यहाँ पर आपको बताई है, और कुछ कुछ पोस्ट में उम्मीदवार को एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए 3 से 4 साल का, और जो फ्रेशर्स है वे इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भर्ती हो रही है। जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आवेदन करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। ऑनलाइन तरीके से होने के कारण आपको अप्लाई करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो जाते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन जो कंटेस्ट का क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, रैबिस इज ट्रांसमिटेड बाय डैश। तो उसके आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, मॉस्किटोस, बग्स, फ्लाइज, इन्फेक्टेड मैड डॉग्स। तो आपका आज का कंटेस्ट का क्वेश्चन आपको वापस एक बार बता देते हैं, रैबिस इज ट्रांसमिटेड बाय डैश। तो उसका ऑप्शन है आपके पास आंसर के, मॉस्किटोस, बग्स, फ्लाइज एंड इन्फेक्टेड मैड डॉग्स। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और जो उम्मीदवार सबसे पहले और सबसे पहले राइट आंसर का आंसर देगा वो इस कॉन्टेस्ट का विनर होगा, और उसे हम विनर घोषित करेंगे हमारे फेसबुक पेज पर। फेसबुक पेज की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और सबसे पहले आपको हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना होगा, और उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट कर हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, और तो ही आप विनर हो सकते हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।